हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ भिंडी की एक बिल्कुल नई रेसिपी। घर में रखे जो हमारे सामान होते हैं उससे बन जाता है, मगर बहुत ही टेस्टी बनता है। और यकीन मानिए दोस्त, आप एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार आपको बनाने का मन करेगा। तो चलिए बिना लेट किए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, स्वागत है आपका स्वाति रसोई। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम भिंडी लिए हैं। भिंडी जितनी फ्रेश होगी ये सब्जी आपकी उतनी ही बढ़िया बनेगी। तो इसको सबसे पहले हम इसके दो एंड्स को काट लेंगे और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में हमें काटना है, इस तरह से दो दो टुकड़ों में। जो छोटा होगा उसे हम एक ही टुकड़े में छोड़ देंगे। सो ये है, इसको हम नहीं काटेंगे बीच से, इसे हम दो टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से हम सारी भिंडियों को काट लेंगे। तो भिंडी सारी कट गई है। अब हमने क्या करना है कि बीच में हम इस तरह से पहले एक थोड़ा सा होल जैसा बीच में बना लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक कप दही। तो ये मैंने डाल दिया इसमें दही। ये उसमें एक चम्मच बेसन और एक चम्मच में डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, एक से डेढ़ चम्मच देंगे। जो घर में नॉर्मल चम्मच यूज करते हैं उससे ही मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन। और अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। मसाले में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें जीरा का पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर। इस सबको डालने के बाद हम इसे के हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। ये मिक्स हो गया है, इसे अब हम 5 से 7 मिनट ढककर रेस्ट पे रखेंगे। भिंडी को रेस्ट पे रखे लगभग 7 मिनट हो गया है। तो मैंने इसी बीच में एक कढ़ाई को रखा है गैस के ऊपर, उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून तेल गरम किया है। तेल आप अपने चॉइस का कोई भी ले सकते हो। इस तेल में अब हम डाल देंगे हमारे मैरिनेटेड भिंडी को। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगभग 5 से 7 मिनट ढककर पकाना है। तो हम इसे ढक रहे हैं और इसे पकने दे रहे हैं। हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है। चलिए ढक्कन उठा के देखते हैं। 5-7 मिनट लगभग मैंने इसे तेज फ्लेम पे पकाया है। अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो पे और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और इसे अब बगैर ढके हमें पकाना है जब तक कि भिंडी अच्छी तरह से गल ना जाए। हम इसे बीच बीच में चलाते हुए भिंडी पक गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया की पत्ती, एक बार इसे मिक्स कर लूंगी। इसे मैं डिश आउट कर दूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है भिंडी की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। अपने
इडली तो बहुत तरह से पहले भी बनाई होगी, एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगा। इसे आप चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।